अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मंसूर की छुट्टियों का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, तो अभी थोड़ी सी हम लोगों ने जो कैबिन टूर पे जाना है उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो सोचा एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं सेंटर में और वॉक करते हुए जा रहे हैं। आयरा और आयरा भी साथ है। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाँ जी, मुझे नहीं पता समीन आपसे क्या क्या बोलती रही हैं। क्या बोला आपने व्लॉग में? सिर्फ वेलकम दिया, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, बस इतना ही कहा है। ये तो एडिट करते हुए मुझे पता चलेगा कि क्या क्या बातें करती रही है। तो हम अभी जा रहे हैं सेंटर एक चक्कर लगाने। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि कल क्या हुआ था। कल आपा लोगों ने आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह वो आज पहुंचेंगे। तो जो एक्साइटेड दिन कल होना था वो एक्साइटिंग डे आज है ना। तो सेंटर का चक्कर लगाना है, छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है, और घर बैठ बैठ के ना वज़न भी थोड़ा बढ़ गया मेरा। तो मैंने सोचा चलते हुए जाते हैं ना तो वज़न थोड़ा कम होएगा, कैलोरीज जो हैं वो बर्न होंगी। ये अलग बात है कि सेंटर जाके हम फिर कुछ खा लेंगे और फिर वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन सारे ऐसे ही कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ओके ओके, मैंने तो वैसे ही वज़न कम करना शुरू किया हुआ है। कब किया था? जो भी बहनें औरतें बाजियाँ आपियाँ जो भी देख रही हैं वो बताएं, प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्टमार्टम वेट लॉस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको 5000 वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे हैं। तो लेकिन वो मैं देखती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। हाँ, लेकिन असल में मसला ये ना कि सिर्फ देखने पढ़ने से वज़न कम नहीं होते। तो नहीं, असल में पता क्या है, कुछ जिनसे आप रियल लाइफ में बात करते हो ना है, वो आपसे ये कहेंगे अच्छा 6 महीने तो इंतज़ार करो, अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, या इस तरह। हाँ तो सही है, करो इंतज़ार। तो हाँ, ये जो लड़कियाँ अगर देख रही हैं ना, उनको पता है कि ये वाला जो डिप्रेशन है ना कैसा होता है। और कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं, लाइफ चिल है, इंजॉय करो, खुश रहो बस। नहीं नहीं ये मैंने ऐसे ही बोला है, कोई डिप्रेशन नहीं। आयरा भी जा रही हैं हमारे साथ, और ये हमारी नई ब्लॉगर जा रही हैं। तो आगे आगे, क्योंकि ज़रा गुरूर में है कि मैं नई ब्लॉगर हूँ। हम इधर आराम से शॉपिंग कर रहे थे, तो देखें हमें कौन लोग मिले हैं। ये क्या जी, आप हमारा पीछा कर रहे हैं? जहां आप वहां हम। नहीं, ये तो ज्यादती है। नहीं, कोई ज्यादती नहीं। हम अकेले आए थे, आप लोग पता नहीं किधर थे, तो अचानक किधर पहुंच गए। बहुत शॉपिंग होगी। तो अम्मी, अब आप आ ही गए तो हमें चाय शाय पिला दें, हम बेचारे भूखे शॉपिंग कर रहे हैं। आयरा, आयरा आप भी हंसियाँ कर रही थी और आप जान उधर चला गया। मुझे लग रही थी प्यास भी, तो मैंने अपने लिए ये भी ले लिया, लेमोनाद है। ये देखें क्या लिखा है, ब्लड ऑरेंज। ये इसलिए नहीं अम्मी कि ये सुरख है, इसलिए कि इसमें ब्लड है, इसमें खून है। हाँ पता है, खून से फिर वो ताकत आती है ना, तो इसलिए वो खून डाल के देते हैं इसमें। इसमें इधर तो बड़े रंग रंगीले कपड़े हैं, देखो कितने लेने, सेल भी लगी हुई है। सबसे ज़्यादा शॉपिंग आज की है आयरा ने। अब हो रहे हैं शाम के 7 और अब हम घर जा रहे हैं सेंटर से निकल के। तो बहुत टाइम लग गया एक्चुअली सेंटर में, बेशक हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी तो नहीं है, शॉपिंग तो कोई नहीं की,
लेकिन ये होता है कि जब इतना छोटा बच्चा आपके साथ हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी बार बार रुकना पड़ता है, उठाना पड़ता है, दूध देना पड़ता है, तो ये भी है। तो हम इस देर का इल्ज़ाम आयरा के सर लगा रहे हैं, है ना। नहीं अब वैसे सेंटर का एक चक्कर लगा लो ना, आप वैसे थक जाते हो। तो खैर अब घर पहुँच के बस खाना शाना खाना है और फिर इंतज़ार करना है आपा लोगों का, मदीना और एदन का, कब तशरीफ लाते हैं। घर आ गए हैं हम, है ना, घर आ गए, खुश हो रही है, दरवाजा खुल रहा है, हम घर आ गए। ये कौन है अंदर? आज तो वैसे सेंटर जाके ना सही से थक गया, मतलब सही से थक गया था आके, बस लेट गया, आधा सो गया, फिर खाना खाया तो कुछ जान में जाना है, और अभी में अम्मी कह रहे हैं उठे काम करें। मतलब ये है कि ये जो सौदा अम्मी आज लेने गए थे सेंटर, आटा और चावल वगैरह वगैरह, वो नीचे रखने हैं बेसमेंट में। इतनी ज्यादा अम्मी चीजें, इनका वजन कितना है, 20 किलो? चलो जी फिर एक एक करके चीज लाए जाने। ये है अम्मी का स्टोर, देखें ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुकान है। ओह बड़ी हुई, क्या क्या माल रखा हुआ है अम्मा जी आपने? कुछ नहीं है, बर्तन ने, रजाइयां ने, ओह माय गॉड, देखें दे, यहाँ खाने पीने वाली चीजें आती हैं। ये अभी बेसमेंट का ये वाला हिस्सा, दूसरी हिस्से पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी भरा हुआ है सामान से, ये चीजें पड़ी हुई है, पता नहीं देखचे और हीटर और जैकेट्स वगैरह सब कुछ इधर। ये हमारे घर के सामने किसी की गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया, गर्म हो गई है तो बेचारे खड़े हैं, वो हेल्प वालों को फोन कर रहे हैं, और शेब आपको बताएगा कैसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए अगर गाड़ी गर्म हो जाती है। हाँ शेब बता, मुझे नहीं पता भाई मंसूर। हाँ ये कह सकते हो ना, हेल्प वालों को फोन कर रहे हैं। कल के ब्लॉग में एक्चुअली मैंने जिक्र भी किया था कि मदीना की सालगिरह 2-3 दिन पहले थी, तो आज जब मदीना यहाँ पहुँचेगी तो हम उसको बर्थडे का सरप्राइज़ देंगे, लेकिन फिर वो मुझे पोर्शन काटना पड़ा ब्लॉग में से, क्योंकि कल वो पहुँच नहीं सके थे, तो मैं नहीं चाहता था कि ब्लॉग अपलोड और वो ऑलरेडी देख लें पहले ही कि मतलब हम कुछ सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो अभी हम वो सरप्राइज़ पूरा करेंगे, अभी हम थोड़ी बहुत तैयारी करें, ज़्यादा नहीं, छोटा सा फंक्शन होगा, क्योंकि अभी वैसे ही उनको पहुँचते हुए रात के 11 हो जाएंगे, तो बस जल्दी से थोड़ा सा उसका खूबसूरत सा सरप्राइज मिलेगा, खुश हो जाएगी। तो ये मदीना के गिफ्ट्स हैं, ये मैंने कल जब पैक कर रहा था तो दिखाए थे, अब मैं दोबारा आपको खोल के दिखा तो नहीं सकता ना, तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा जब मदीना ये गिफ्ट्स खोलेगी, तब आप देख सकेंगे कि क्या मिला है मदीना को। और इधर बन रही है चाय, क्योंकि आज हमने चाय नहीं पी थी, आप व्लॉग में देख ही चुके हैं कि हम एक्चुअली बाहर चले गए सेंटर में, तो हमने चाय लाते जो है वो पी तो थी, लेकिन मतलब देसी चाय का मजा तो नहीं ना, असल मजा तो देसी चाय का ना। तो हम शाम को जब मदीना का केक काट रहे हैं तो साथ में ये चाय पियेंगे। आयरा एक्साइटेड हो आप? आपी एदना से और आपी मदीना से मिलने के लिए? हाँ देखा, अब उसने प्रूव कर दिया कि जरूर मिलेंगे, खुशी से मिलेंगे। क्या हुआ? ऐसे खाना हो गया, आपने खाने? अभी आपा लोग पहुंचने वाले हैं और हम, मैं और अबू बकर बेचारे इधर इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी पहुंचे हम उनका इस्तकबाल करने के लिए, है ना? Yeah, Abu Bakr. We are here to receive them. आगे. Oh, आगे. Tan tan. Hi, Madina. Oh, fucking. Hi, Madina. कैसी हो? ठीक हो? ओए कितनी बड़ी हो गई हो. अस्सलाम. अस्तगफरुल्लाह, मैं पहले आया. और ये कौन है? कौन है ये लड़की? एदन, आप तैयार हो आयरा से मिलने के लिए? थोड़ा मूड ऐसे हुआ है ना, ये क्या?
सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। खुश रहो मेरा पुत्र, खुश रहो, स्माइल करो जरा, बड़ी सी स्माइल, दांत नजर आने चाहिए। आती है, होएगी। हमें तो मिठाई भी मिल गई है। ये एदन की तरफ से गिफ्ट है आयरा के लिए, है ना? ये क्या है वैसे एदन? यूनिकॉर्न। ओहो, ओ आयरा का मुंह देखो। जब बड़ी होगी ना फिर खेलेगी, उसके बेड के ऊपर रख देंगे। मैंने कहा चले ठीक है, रख देंगे। तो आयरा से मिलके आपको कैसा लगा? खुश हुई आप? एदन आई और उसको पता क्या फिक्र थी? इसको ये फिक्र थी कि चूहे किधर है, जो हमारे घर कुछ अर्सा पहले आए थे। चूहे देखने आई आप मिस? देखने आई हो? हाँ जी आपा जी, आप बताओ जरा आयरा से मिलके कैसा लगा आपको, बताओ जरा। मेरे डोले जगाया दी, तेनू खबर किवें होवे आ जाए।